जिस तरीके से यहाँ पे साइबर क्राइम के अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही थी डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में, और जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी डायरेक्शन है और हमारे PHU का भी डायरेक्शन है, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे एक साइबर सेल का गठन किया है फरवरी के महीने में, जिसमें हमारे काबिल और तेज़ तर्रार SI जो गौहर हैं इनको अपॉइंट किया हुआ है उसमें। तो इसमें जो हमारा ये साइबर सेल है, इसने पिछले लगभग 3 महीनों में 30 के करीब कंप्लेंटों को यहाँ पे हमने रिसीव किया है और उन पे हमने बड़ी ही सीरियसली काम किया। जब हमने इसमें काम किया, इसमें हमने देखा कि इसमें बड़ी सारी कंप्लेंटें थी जिसमें जो विक्टिम था हमारा, उसको बहला फुसला के किसी तरीके से उसको फ्रॉड करके जालसाजों ने उनके पैसे को ट्रांसफ़र किया है दूसरे अकाउंटों में। तो इस पर कार्रवाई करते हुए हमारे साइबर सेल ने लगभग 6.5 लाख रुपये मुख्तलिफ बैंक अकाउंटों में, ये बैंक अकाउंट जो कि जालसाजों के हैं उसमें हमने मुख्तलिफ बैंकों में इसको फ्रीज करवाया हुआ है। इसके अलावा लगभग 40,000 रुपये हमने एक विक्टिम को रिफ़ंड भी कराया हुआ है। और इसके अलावा हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन के गुम होने की जो भी सूचना आती थी या कोई भी उसमें अपनी शिकायत दर्ज कराता था, उस पर भी हमने काम किया और अब तक 16 फ़ोन हमने उसमें रिकवर भी किए हुए हैं। तो इसमें हमारी साइबर सेल ने बड़ा ही अच्छा काम किया हुआ है। और मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि जिस किसी को भी इस तरीके के OTP देने से संबंधित कोई फ़ोन आए या कोई इस तरीके का फ्रॉड फ़ोन आए कि जी जनाब मैं आपका ये दोस्त बोल रहा हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, या कोई इस तरीके के फ़ोन आए कि कोई अननोन नंबर से, या तो कोई आपको फ़ोन आए या कहीं फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट आए किसी को किसी तरीके से हनी ट्रैप वगैरह करने के लिए, तो एक तो उससे आप खुद सावधान रहें और दूसरा उनकी खबर डिस्ट्रिक्ट पुलिस गांधरबल को दें ताकि हम इस पर कार्रवाई कर सकें और जो भी आपको नुकसान हो सकता है फ्यूचर में, इससे आपको हम बचा सकें और साथ ही साथ इन जालसाजों को पकड़ सकें। तो मैं पब्लिक से फिर से ये अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा खुद अलर्ट रहे और जैसे ही इस तरीके की चीज़ें उनके नॉलेज में आती है वो हमारी नॉलेज में ले आए ताकि हम उस पर एक्शन ले सकें।